दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करना है। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो और उसे बैकटेस्ट भी किया हो। आज हम समझने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। देखिए, पिछले वीडियो में क्या समझा था, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करना है, मतलब कि सेलिंग का मार्केट। आज क्या समझने वाले हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, यानी कि बाइंग का मार्केट। अब देखिए, सेलिंग के मार्केट में और बाइंग के मार्केट में कुछ फ़र्क होता है, तो ब्रेकआउट को समझने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि जब भी मार्केट में सेलिंग होती है तो बहुत ही अग्रेसिव और पैनिक सेलिंग होती है, और जब मार्केट में बाइंग होती है तो बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि अग्रेसिव बाइंग हो रही है। मार्केट में बाइंग होती है तो स्लो होती है, सेलिंग होती है तो फास्ट होती है। कभी कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट, कोई रिजल्ट है, कुछ भी ऐसा है, तो तब अग्रेसिव बाइंग हो सकती है। पर अगर आप उसे सेलिंग से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलिंग की कंपेयर में बाइंग बहुत ही कम होती है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पर जब भी सेलिंग होगी तब फास्ट होगी, बाइंग होगी तब उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी सेलिंग फास्ट होती है। जैसे कि बैंक निफ्टी एक दिन में 900 या 1000 पॉइंट गिर सकता है, पर वही 900 या 1000 पॉइंट उसे ऊपर चढ़ने में 3 दिन लग सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, और जब भी मार्केट को सेलिंग में आना होता है वो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करती, वहां पर अग्रेसिव सेलिंग होती है। अब इन बातों को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो आगे हम चार्ट में समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये बातें हमारे लिए जाननी क्यों जरूरी थी। एंड ज्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी सेलिंग का मार्केट होता है तो वो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, और जब भी बाइंग का मार्केट होता है वो अपनी क्वांटिटी कम कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझे तो कोई है जो नॉर्मली 10 लॉट से ट्रेड करता है रेगुलरली, उसकी साइज है 10 लॉट से ट्रेड करना, तो जब भी सेलिंग का मार्केट होगा वो 10 लॉट लेके ट्रेड करेगा, पर जब भी बाइंग का मार्केट होगा तो वो 10 लॉट से ट्रेड नहीं करेगा, वो हो सकता है 5 लॉट से, 7 लॉट से, 8 लॉट से, इन शॉर्ट वो 10 से कम लॉट से ट्रेड करेगा, यानी कि अपनी पोजीशन साइजिंग को घटा देगा। कौन से मार्केट में, बाइंग वाले मार्केट में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बाइंग वाले मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना सेलिंग वाले मार्केट में आता है, क्योंकि सेलिंग का मार्केट फास्ट होता है और बाइंग का मार्केट होता है वो रुक रुक के चलता है, तो वहां पर लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसीलिए प्रोफेशनल लोग अपनी वहां पर पोजीशन साइजिंग भी कट कर देते हैं, यानी कि कम लोट के साथ ट्रेड करते हैं। एंड और एक बात है जो आपने नोटिस की हो, जब भी मार्केट में ट्रैप होते हैं, बाइंग ट्रैप होते हैं, सेलिंग ट्रैप होते हैं, यानी कि बायर्स ट्रैप होते हैं और सेलर्स ट्रैप होते हैं, तो वहां पर जो बायर्स ट्रैप होते हैं यानी कि जो ब्रेकआउट होते हैं वो ज्यादातर बार फेल हो जाते हैं, और सेलर्स के जो ट्रैप होते हैं वो कम बार फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेलर्स के ट्रैप कभी होते ही नहीं, होते हैं, पर सेलिंग में कम ट्रैप होते हैं, बाइंग में ज्यादातर बार ट्रैप होते हैं। तो बाइंग के मार्केट को ट्रेड करना, यानी कि जो आज हम समझने वाले हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, उसमें हमें ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए, अब जो बातें हमें जानना जरूरी थी वो हमने समझ ली, अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे ब्रेकआउट को ट्रेड करना सीखते हैं, और जो कुछ भी आगे की बातें हैं वो वहीं डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहां पर जो चार्ट है, यहां पर एक पैटर्न बनी हुई है जो कि है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और उसे पेनेट पैटर्न भी कहा जाता है। यहां पर देखिए, हमने दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया गया है। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे की ट्रेंड लाइन है वो प्राइस के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर की ट्रेंड लाइन है उसे हम कहते हैं फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि प्राइस फॉल कर रही है, तो उसे हम कहते हैं फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस इसीलिए क्योंकि इस लाइन पर प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन हो गई फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। उसी तरह नीचे से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि है राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। राइजिंग क्यों, राइजिंग इसीलिए क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और इस लाइन पर प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए इस लाइन को हम कहते हैं राइजिंग सपोर्ट लाइन। अब यहां पर इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना हम सीखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ब्रेकडाउन को ट्रेड करने से पहले हमने समझा था कि हमें प्राइस के बिहेवियर को स्टडी करना है, कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले प्राइस का क्या बिहेवियर था, तो उसी तरह यहां पर हम प्राइस के बिहेवियर को पहले देखेंगे। अभी यहां पर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो उसके पहले हम प्राइस के बिहेवियर को देखते हैं कि यहां पर प्राइस का क्या बिहेवियर है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने समझा था, यहां पर अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे कैंडल आ जाती है तो हम तुरंत उसे ट्रेड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हमने डिटेल में पहले समझा था। पर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, ऊपर की तरफ कैंडल क्रॉस कर देती है, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है उसी कैंडल के साथ जाना। अब चलिए इस चार्ट को पूरा देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, और उसे हमें कैसे ट्रेड करना है।
अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, कैंडल ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ हमें प्राइस का बिहेवियर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है। तो मेजोरिटी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस कैंडल पर बाई कर लेंगे और ज़्यादातर लोग क्या गलती करेंगे कि इस कैंडल के लो का ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरह की बाइंग करनी है तो कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, अगर आप वो स्टॉप लॉस आपके घर का है, आपने खुद डिसाइड किया है वो स्टॉप लॉस, पर लॉजिकल जो स्टॉप लॉस आपका आता है वो यहां पर इस स्विंग लो के नीचे यानी कि यहां पर आता है। ये जो कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेने का रूल है वो हमारे घर का रूल है, याद रखना, क्योंकि कैंडल के लो का स्टॉप लॉस तभी लिया जाता है जब उसी कैंडल का लो लास्ट स्विंग हाई या लास्ट स्विंग लो हो। पर इस तरीके से होता है तो आपको छोटा स्टॉप लॉस देना है तो आप अपनी मर्जी से ये ले सकते हैं, पर अगर आप टेक्निकली वाइज देखो, आप एक लॉजिकल वाइज देखो, तो आपको लास्ट स्विंग लो होता है उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखिए जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को यानी कि बाइंग के मार्केट को ट्रेड करने में हमें ज्यादा ध्यान रखना है इस कंपेयर टू सेलिंग के मार्केट में, तो अभी यहां पर इस कैंडल पर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, एक पुल बैक के बाद, जब भी इस तरह पुल बैक होकर यहां पर प्राइस इस पुल बैक को क्रॉस करती है तब हमें वहां पर एंट्री लेनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि बाइंग में ज्यादातर बार ट्रैप होते हैं, बाइंग के मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है तो वहां पर ट्रैप होने के चांसेस भी ज्यादा है, तो इसीलिए हम एक पुल बैक का वेट कर लेते हैं। पुल बैक के बाद अगर प्राइस वहां पर निकलती है तो वहां पर ज्यादा चांस होते हैं कि ये ब्रेकआउट रियल होगा, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार मतलब पुल बैक के बाद भी आपका ये बाइंग सस्टेन करेगी, ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा भी, हो सकता है फेल भी हो जाए, पर इसके कंपेयर में वहां पर कुछ ज्यादा कंफर्मेशन रहती है। इसी चीज को हमने चार्ट रीडिंग पार्ट वन में समझा था, पर वहां पर हमने तब इतना डिटेल में ये बातें नहीं की थी कि आपको पुल बैक के बाद ही एंट्री लेनी है, तब हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को ट्रेड करना ही सीखा था कि ब्रेकआउट के पहले प्राइस का बिहेवियर क्या है। अब इस चार्ट को आगे देखते हैं ताकि आपको सही से समझ में आएगा कि मैं अभी क्या कह रहा हूं और हमें ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर ब्रेकआउट फेल हो गया। हमने क्या डिस्कस किया था कि इस कैंडल पर हम बाई नहीं करेंगे, ये जब एक पुल बैक करके निकलेगा तो वहां पर उस पुल बैक के ब्रेकआउट पर हम बाई करेंगे, फिर हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इस लेवल से प्राइस फिर से नीचे आ गई, इस लेवल से प्राइस नीचे आई थी तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया था, तो फिर से पुल बैक के बाद ये लेवल निकला ही नहीं। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस चली जाती, क्लोजिंग दे देती तो वहाँ पर हम बाई कर सकते थे, पर इसी लेवल से प्राइस नीचे आई और नीचे की तरफ आ गई। अगर यहाँ पर इसी कैंडल के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा उन लोगों का तो यहाँ पर लॉस ही होना है, इसीलिए ब्रेकआउट को डायरेक्ट ट्रेड करना आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट को इस तरह ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं एक पुल बैक होने के बाद उसे निकलने देता हूं। मैं हमेशा ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूं तो मैं पुल बैक का वेट करता ही हूं। हाँ कुछ किस्सों में ऐसा भी होता है कि कोई पुल बैक नहीं आता और प्राइस मतलब तुरंत ही ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वैसे ट्रेड काफी बार मिस हो जाते हैं, तो वो ठीक है चलता है, हर ट्रेड हम नहीं ले सकते। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये एक मिनट का टाइम फ्रेम है और आप 5 मिनट के अंदर देखते हो कि 5 मिनट के अंदर वहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहां पर 1 मिनट में हम क्या कर रहे थे, हम यहां पर ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे यानी कि बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वैसा नहीं करना चाहिए। 5 मिनट में अगर डाउन ट्रेंड है तो 1 मिनट में भी स्केल्पिंग हमें करनी है, तो हमें वहां पर डाउन ट्रेंड के ट्रेड को ही फाइंड करना ठीक रहेगा, क्योंकि जब जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे ज्यादातर बार आप गलत ही निकलोगे, तो हो सके उतना आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। और अगर 5 मिनट के अंदर आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको 1 मिनट में भी आपको वहां पर बाइंग के ट्रेड को फाइंड करना है, वहां पर आपको डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं सोचना है। उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे एनालाइज करना है, मतलब कि अगर स्केल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट में आपको क्या देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो आप उसे चेक कर सकते हो। तो यहां पर आपने देखा कि बाइंग में ज्यादातर बार इस तरीके के ट्रैप निकलते हैं, तो बाइंग के मार्केट को आपको ट्रेड करना है, आपको ब्रेकआउट को ट्रेड करना है तो आप एक पुल बैक होने दीजिए, उस पुल बैक को निकलने दीजिए। हाँ अगर आपको जल्दी से वहां पर ट्रेड लेना है, ये स्टॉप लॉस देने के लिए आप तैयार हो तो आप ले सकते हो, फिर मतलब कि काफी बार आपके ट्रेड मिस हो जाएंगे तो आपको ऐसा होगा कि यहां पर मेरे ट्रेड मिस हो रहे। अगर आप ये स्टॉप लॉस देने के लिए, अगर आपको इस कैंडल के साथ ट्रेड करना है तो आपको ये स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, अगर आपको रिटेस होने के बाद ट्रेड करना है तो इस रिटेस को आपको निकलने देना है और यहां का स्टॉप लॉस देना है, तो यहां पर कुछ कंफर्मेशन होती है कि रिटेस का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस चार्ट में देखिए यहां पर एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस कैंडल के साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ, पर इस कैंडल पर आपको बाई करना अवॉइड करना चाहिए। अगर इस कैंडल पर आप बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस देखिए यहां तक का आता है, ये रियल स्टॉप लॉस है, ये लास्ट स्विंग लो है, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस आता है।
और ब्रेकआउट के पहले कोई भी मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बना था। पिछले चार्ट में तो फिर भी हायर लॉस बने थे, पर ये ब्रेकआउट हुआ तो अब यहाँ पर कोई भी हायर लॉस नहीं बने थे, सीधा सीधा यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो एक तो मतलब कि अगर पहले कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है फिर भी हम थोड़ी हिम्मत कर सकते हैं, पर यहाँ पर तो बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पहले कोई भी ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं है। और मान लीजिए कि इस कैंडल पर आप बाय भी कर लेते तो ज़्यादातर लोग क्या करते, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते, वो हिट हो जाता, या फिर यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते तो देखिए वो भी हिट हो जाता। यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं लेता और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना भी नहीं चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ पर एक पुल बैक का वेट कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ आ गए। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, वीक प्लेयर को रिमूव करने के लिए। यहाँ पर जो जो बाइंग में गया था यहाँ पर इस कैंडल के साथ वो सारे लोगों को मार्केट ने बाहर कर दिया और फिर ऊपर की तरफ रैली करने गया। देखिए यहाँ पर ये पुल बैक करने के बाद प्राइस ऊपर निकली तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आता है। यहाँ पर पुल बैक बहुत ही बड़ा हुआ है तो ये एरिया भी बड़ा हो गया है, तो आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गई। यहाँ पर ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है ये अगला दिन है, मतलब कि अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और नीचे की तरफ आने लगा, इसीलिए इस चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया है। अदरवाइज मार्केट गया ऊपर ही है, पर यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया था इसीलिए ये चार्ट आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो इन शॉर्ट आप एक बात को याद रखिए कि आपके ट्रेड मिस हो जाएंगे, कभी कभी मार्केट एक तरफ रैली कर देगा तब मिस हो जाएंगे, अदरवाइज ब्रेकआउट में आपको एक पुलबैक का वेट करना है, एक रिटेस्ट का वेट करना है और उस रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड लेना है, तो वो आपके पास एक कंफर्मेशन होगी। और कभी भी सीधे सीधे प्राइस ब्रेक कर देती है इस तरह, तब तो बिल्कुल भी हिम्मत मत कीजिए वहां पर ट्रेड लेने की, आपका ट्रेड मिस होता है तो होने दीजिए। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पहले अगर मतलब पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन चुका है, थोड़ा बिल्डअप हो चुका है, तो वहाँ पर अगर आप हिम्मत करें तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज पुल बैक का वेट कर लेना ही ठीक है। यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया था कि चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो आप उसे चेक करना, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पर देखिए इस चार्ट में भी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट से पहले प्राइस का बिहेवियर देखिए, यहाँ पर प्राइस आई सीधे सीधे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आने लगी। दोबारा जब ये नीचे आई तो अपने इस लेवल तक नहीं आ पाई, यहीं से बायर्स उसे ऊपर उठाने लगे और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। मतलब यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला। यहाँ से भी आप एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को, यानी कि यहाँ पर हायर लॉस बनने लगे हैं। तो अगर यहाँ पर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इस स्टॉप लॉस के साथ, ये जो लास्ट स्विंग लो बना है इस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रिस्क लेना चाहो तो आप ले सकते हो, पर अगर आप पुल बैक के बाद जाते हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस तरीके के ब्रेकआउट भी फेल होते हैं, उसे हमने आगे ही देख लिया। फिर भी अगर आप यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हो, आप ये छोटा सा स्टॉप लॉस देना चाहते हो, आपने देख लिया कि ये स्टॉप लॉस अगर मेरा जाएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे जल्दी एंट्री चाहिए, तो ये रिस्क आप अपने हिसाब से लेके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज एक पुल बैक का वेट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे के चार्ट में क्या हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक छोटे से पुल बैक के बाद प्राइस ने इस लेवल को निकाला, तो इस लेवल के निकलने के बाद हम एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर अपना छोटा सा स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं। अगर आप इसी कैंडल पर बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाता। अब अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। एंड अगर आप टारगेट की बात करें तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने पहले टारगेट को सेट करना है। अगर आप इस टारगेट पर निकलना चाहते हो आप निकल जाइए, अगर आपको होल्ड करना है तो आपको, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लॉट है तो आपको आधी क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए, आधी क्वांटिटी आप चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर आपको आधी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट लगा देना है ताकि अगर प्राइस वहां से रिवर्स करे तो आपका लॉस ना हो। अब यहां पर भी मैं आपको इसके आगे का भी चार्ट दिखाता हूं ताकि एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो। अब यहां पर देखिए ये वही चार्ट है जो हमने अभी देखा था। यहाँ पर आप देखिए टारगेट के पास जाने से पहले प्राइस नीचे की तरफ आ गई और फिर जाके उसने टारगेट दिया। तो यहाँ पर अगर हम होते, हमने यहाँ पर कहीं भी ट्रेड लिया होता तो जब प्राइस यहाँ पर नीचे आने लगी तो हम वहीं से बाहर हो जाते। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि काफ़ी बार मार्केट में क्या होता है, वीक प्लेयर को पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद मार्केट वहाँ पर ऊपर जाती है, यानी कि वहाँ पर टारगेट देती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। अब ये सारी चीज़ें ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये सारी चीज़ें हम इसीलिए देख रहे हैं ताकि ट्रेड लेने से पहले आप सारी चीज़ें
सोच समझ के करें। ये नहीं कि आपके पास कन्फर्मेशन आ गई है तो अब जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हमें बस लेवल्स पर और प्रिडिक्शन पर चलना है कि ये हो रहा है। ज़्यादातर बार ऐसा होता है तो इस बार भी ऐसे होने के चांसेस है, पर हमें हमारे सारे रूल्स को साथ में रखना है। हमें हमारे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, हमें हमारी पोजीशन साइजिंग को देखना है, हमें हमारे डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपको ऑल ओवर काम आएगी। हमें हमारे रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना है, तो वो सारी चीज़ों को साथ में लेकर ही चलना है। आपको बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है कि कोई एक फॉर्मूला मेरे हाथ में आ चुका है तो अब तो मुझे कभी लॉस होगा ही नहीं। देखिए, ये सारी चीज़ें मार्केट में होती है, यहाँ पर ये चीज़ें हम देखें या ना देखें, पर रियलिटी में तो ये सारी चीज़ें होती ही है। और ये बैंक निफ्टी का रियल चार्ट है, ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब एनिमेशन चार्ट में देख रहे हैं। अब यहाँ पर किसी चीज़ को डिस्कस करना, यानी कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कोई भी कुछ भी हम सीख रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही देखें और अच्छी अच्छी बातें ही सीखें। जो मतलब रियल में होता है उसे देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें भी रेयर केस में होती है, पर ज़्यादातर बार क्या होता है, पुल बैक के बाद वहाँ पर मार्केट निकलती है तो वहाँ पर ज़्यादा चांस है कि वो हमें टारगेट दे देगी। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, पर ब्रेकआउट से पहले प्राइस का बिहेवियर देखिए। प्राइस का बिहेवियर क्या है, यहाँ पर आपको एक चार्ट पैटर्न बनती हुई दिख रही है जो कि है डब्लू पैटर्न, जो कि बॉटम पर बनती है। तो प्राइस यहाँ पर गिरते गिरते नीचे आई, यहाँ पर बॉटम है, यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बना रही है। तो अब ये ब्रेकआउट देगी तो हायर चांस है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनने लगी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से आप बाय करके बैठ जाओ। जैसा कि मैंने कहा था कि बाइंग में ज़्यादातर बार ट्रैप होते हैं, बाइंग वाले मार्केट में लोग कम कॉन्फिडेंट होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर बार ट्रैप होता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। तो वहाँ पर हमें प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हमें प्राइस का बिहेवियर तो पॉजिटिव दिख गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो उससे पहले प्राइस का बिहेवियर पॉजिटिव है, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बन रही है। पर अब यहाँ पर आगे का चार्ट हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, यहाँ पर डबल बॉटम जैसी पैटर्न बन रही थी, यहाँ पर इसके ये दोनों जो लो थे वो सेम थे, यहाँ पर डबल बॉटम बन गई थी, बस इसका ब्रेकआउट होना बाकी था, पर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं और प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई। ये चार्ट हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप गलती से भी कभी एडवांस में वहाँ पर पोजीशन ना बना ले, एडवांस में आप ट्रेड ना ले ले। आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन से पहले पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ब्रेकआउट हो ही जाएगा। मैं जल्दी से एंट्री ले लेता हूँ ताकि मुझे जल्दी से एंट्री मिल जाए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, इन चीज़ों में मत पड़ना। और ख़ास करके ब्रेकआउट पर तो आपको बहुत ही संभल के चलना है, वहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ ही जाना है। मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया फिर भी हम ट्रेड नहीं लेते, एक पुल बैक करता, पुल बैक का भी ब्रेकआउट होता और ये लेवल निकलता तो यहां तक हमारी एंट्री आती और यहां पर जो भी पुल बैक का लो होता वो हमारा स्टॉप लॉस होता। बाइंग के मार्केट में आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही जाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आप बैक टेस्ट करोगे। इसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कोई भी चीज आपके कुछ भी काम नहीं आएगी। इन सारी चीजों को आप बैक टेस्ट करोगे, आप लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करोगे, जब मार्केट चल रही है वहां पर आपके सामने ये चीजें बन रही होगी, आप उसे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, तब जाके ये सारी चीजें आपके सही से समझ में आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी बातें हमें समझनी जरूरी थी वो हमने समझ ली है कि ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। उसके पहले एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होना चाहिए, उसके बाद भी एक पुल बैक का ब्रेकआउट हो जाता है, रिटेस्ट करके उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो हमारे पास एक कन्फर्मेशन होती है कि अब ये ट्रेड चल सकता है। क्योंकि आपको ब्रेकआउट वाले मार्केट में ज़्यादा कन्फर्मेशन की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग वाले मार्केट में। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी चार्ट के फोटोज़ है जो मैंने निकाले थे, पर यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है और जो चीज़ हमें डिस्कस करनी थी वो चीज़ें हमने समझ ली है। तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट के वक्त आपको एक पुल बैक होने देना है, उसका ब्रेकआउट होने देना है, तो एक कन्फर्मेशन के साथ आप एंट्री ले सकते हो। और हो सके तो कभी भी एडवांस में एंट्री मत लीजिए, कन्फर्मेशन के साथ ही एंट्री लीजिए ताकि वहाँ पर आपके ट्रेड चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। देखिए, यहाँ पर किसी को अगर आप देख लेते हो कि कोई किसी के वीडियो में आपने देख लिया, लाइव में देख लिया, कहीं भी देख लिया कि उन्होंने एडवांस में एंट्री ले ली, एंट्री भी जल्दी मिल गई, स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, तो मैं भी इसकी तरह यही करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे नहीं करना होता है, यहाँ पर अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखना है। जो कोई भी एडवांस में एंट्री ले लेता है उनके पास मार्केट का बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, उनके पास अदर इनकम सोर्स भी है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। जैसे कि कोई इंसान अगर 1000 पॉइंट मार्केट से निकाल के बैठा है और वो एडवांस में एंट्री ले रहा है कि
जहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो उसे कोई परवाह नहीं है, 1000 पॉइंट उसने कमाए हैं उसमें से 50 पॉइंट चले जाएंगे, उसका कुछ भी नहीं जाता। पर यहाँ पर अगर आपको 50 पॉइंट देने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको उसको कॉपी नहीं करना है कि ये जो कर रहा है मैं भी कर लूँ। हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना है। अगर हम 50 पॉइंट देने के लिए तैयार नहीं है तो हमें कन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर कन्फर्मेशन के बाद भी हमारा ट्रेड फेल होता है तो वहाँ पर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। पर अगर हमने कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड लिया, एडवांस में ट्रेड लिया, तो वहाँ पर वो ट्रेड फेल होगा तो वहाँ पर आपको अफसोस भी होगा कि मैंने गलती कर दी। पर अगर एक प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ आप जाओगे फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप खुद को ब्लेम नहीं करोगे, आप अपनी जगह पर सही थे, वहाँ पर मार्केट ने ही ट्रैप किया तो कोई बात नहीं। पर अगर आप अपनी गलती से स्टॉप लॉस आपका हिट होगा तो वहाँ पर आपको अफसोस भी होगा और वो आपका अफसोस आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन कर सकता है। सो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हो सके तो इसे बैकटेस्ट ज़रूर करना। आप बैकटेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में बैकटेस्ट करोगे, तभी ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी और सही से समझ आएगी।